दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका फिर से स्वागत है। मैं विनोद कुमार रजक, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ फार्मेसी इन डी फार्म डिपार्टमेंट। आज मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने RBC के बारे में डिस्कशन किया है। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनेमिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है मैक्रोसाइटिक एनेमिया। यह एनेमिया विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी से उत्पन्न होता है। इसके कारण पोरफायरिन का संश्लेषण प्रभावित हो जाता है, RBC का आकार बड़ा हो जाता है, किंतु RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ जाती है। इसका ट्रीटमेंट विटामिन B12 या फोलिक एसिड लेना है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया में हम फोलिक एसिड या विटामिन B12 डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में सिरप या टेबलेट ले सकते हैं। सेकंड है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इस एनीमिया के प्रमुख लक्षण निम्न हैं, जैसे लोहे की कमी हो जाना या आयरन डेफिशिएंसी, RBC के परिमाप में कमी हो जाना, ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। इसका ट्रीटमेंट है फेरस के रूप में लोहे युक्त औषधियाँ लेनी है या आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट्स या सिरप लेना है, जिससे ये माइक्रोसाइटिक एनेमिया ठीक हो सकता है। थर्ड है हीमोलाइटिक एनेमिया। इस डिजीज़ में अत्यधिक मात्रा में RBC नष्ट होने लगती हैं। RBC के नष्ट होने के कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मलेरिया, स्नैक बाइट एंड प्राइमाकोइन टेबलेट है जो कि एक एंटी मलेरियल ड्रग है, इसके ज़्यादा लेने से हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। प्राइमाकोइन औषधि के दुष्प्रभाव के रूप में हीमोग्लोबिन या हीमोलाइटिक एनीमिया होने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्तियों से उत्पन्न जिनमें ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम की कमी भी पाई जाती है, उन्हें भी हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों फोर्थ, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। इस एनीमिया में आयरन मेटाबॉलिज्म के विकार उत्पन्न होने से RBC के निर्माण में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इस एनीमिया में कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में आयरन एकत्रित होकर न्यूक्लियोलस के चारों ओर या न्यूक्लियस के चारों ओर एक छल्ले के समान स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। इसी छल्ले को सिडरोब्लास्ट कहा जाता है और डेफिशिएंसी हो जाती है और सिडरोब्लास्ट एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। यह एक जेनेटिक डिजीज है। इसका हीमोग्लोबिन दोषपूर्ण होता है। हीमोग्लोबिन का आकार हंसिया के समान होता है। इस हंसिया के आकार के कोशिकाओं का परिवहन कोशिकाओं में बाधित होता रहता है, जिससे अवरोध उत्पन्न हो जाता है। हंसिए के आकार के RBC फटकर हीमोलाइज हो जाते हैं, प्लीहा के आकार में वृद्धि हो जाती है और हमें दर्द होने लगता है। ये इसके लक्षण हैं जो कि सिकल सेल एनीमिया कहलाता है। नेक्स्ट है बीटा थैलेसेमिया। यह एक जेनेटिक डिजीज है। दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। अपरिपक्व व न्यूक्लियस युक्त RBC का निर्माण होता है। अत्यंत महीन तथा कमजोर RBC का निर्माण होने लगता है। प्लीहा के आकार में वृद्धि होने लगती है। सिकल सेल एनीमिया से इसके लक्षण कुछ मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एप्लास्टिक एनीमिया। शरीर के अस्थि मज्जा का विखंडन या डिग्रेडेशन, सब प्रकार की रक्त कोशिकाओं में कमी होना, अस्थि मज्जा में निष्क्रियता के कारण कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे कि एक्सरे, कैंसर और केमिकल्स, ड्रग्स एंड मेंटल स्ट्रेस। जैसे हम एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे कराने से हमारे बॉडी में काफ़ी लॉस होता है, हमारी सेल्स डेड होती हैं। एक्सरेज के कारण
हमारी RBCs पर भी इफेक्ट पड़ता है, जिससे एप्लेस्टिक एनेमिया होने का खतरा रहता है। कैंसर होने की वजह से भी एप्लेस्टिक एनेमिया हो जाता है। कुछ केमिकल्स जो कि एप्लेस्टिक एनेमिया उत्पन्न करते हैं, कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं जो कि इस डिजीज़ को उत्पन्न करने में बहुत ही अपना योगदान करती हैं। मानसिक तनाव, जब हमें कोई मानसिक तनाव या मेंटल स्ट्रेस हो जाता है तो एप्लेस्टिक एनेमिया का भी होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है पॉलीसाइथेमिया, अस्थि मज्जा की अतिक्रियाशीलता। सभी प्रकार की रक्त कणिकाओं विशेषकर RBC में वृद्धि होना पॉलीसाइथेमिया के कुछ विशिष्ट कारण हैं। पहाड़ों पर तथा अन्य स्थानों पर ऑक्सीजन की अनुपलब्धता, त्वचा के जल जाने से, औषधियों के दुष्प्रभाव से, हार्मोन्स में असंतुलन उत्पन्न हो जाने से भी पॉलीसाइथेमिया होने का खतरा रहता है। दोस्तों, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एनेमिया। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि RBC से रिलेटेड है। एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट, इस परीक्षण द्वारा एरिथ्रोसाइट की अवस्था का पता चलता है। इस परीक्षण में रक्त के नमूने में थक्का अवरोधक मिलाकर इसे अवक्षेपित किया जाता है। नॉर्मल ESR वैल्यू इन मैन 0-9 mm पर हावर, नॉर्मल ESR वैल्यू इन वुमेन अप टू 20 mm पर हावर। इस प्रकार के संक्रमण तथा सूजन का पूर्वाभास ESR के परीक्षण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है एरिथ्रोपोइसिस, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण एरिथ्रोपोइसिस द्वारा संपन्न होता है। भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण लीवर, प्लीहा तथा अस्थि मज्जा में होता है, जबकि प्रसव के पश्चात इनका निर्माण कशेरुकाओं, पसलियों तथा स्टर्नम की हड्डी या अस्थि मज्जा में संपन्न होता है। RBC के विकास की विभिन्न अवस्थाएं निम्न हैं: प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोब्लास्ट एंड एरिथ्रोसाइट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, RBC विकास की यह प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में वृद्धि प्राप्त कोशिका में केंद्रक तो पाया जाता है किंतु हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण बाद की अवस्थाओं में शुरू हो जाता है। अगला है नॉर्मोब्लास्ट, RBC के विकास की यह द्वितीय अवस्था है। इस अवस्था में कोशिका के आकार में कमी होती है, केंद्रक का विलीन हो जाता है तथा हीमोग्लोबिन का निर्माण पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है रेटिकुलोब्लास्ट, यह नॉर्मोब्लास्ट की यह विकसित अवस्था है। इस अवस्था में हीमोग्लोबिन तथा रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में उपस्थित पाए जाते हैं। एरिथ्रोसाइट, यह RBC की पूर्ण विकसित अवस्था है। इस अवस्था में रेटिकुलम नहीं मिलता है किंतु हीमोग्लोबिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। RBC के निर्माण में विटामिन B12 तथा फोलिक एसिड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं टाइप्स ऑफ एनेमिया एंड RBCs के विकास की विभिन्न अवस्थाएं एंड ESR। नेक्स्ट वीडियो में हम RBC के बारे में डिस्कशन करेंगे, RBC क्या है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें।